न्यूज, खबरों की नई पहचान। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद के गांधी सेवा सदन में मासस विधायक अरूप चटर्जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मासस से निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि मासस हमेशा चाहती है कि सेकुलर वोट का डिवीजन नहीं हो। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले आग्रह किया था कि कोडरमा की सीट माले के लिए छोड़ दी जाए। फर्स्ट और सेकंड के तहत जो फार्मूला तय हुआ है उसी तर्ज पर राजनीति तय होनी चाहिए। हमारे हर जिले में कैडर बेस्ड वोट है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन में लेफ्ट को नहीं शामिल किया गया तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। लेफ्ट की बातचीत महागठबंधन से बात हुई है, सारी शर्त रखी गई है। एक सप्ताह के अंदर केंद्रीय कमेटी के बैठक के बाद धनबाद लोकसभा से लड़ेंगे या नहीं इसका निर्णय लिया जाएगा। वहीं विनोद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, पिछले अगर 5 सालों में देखा जाए तो रघुवर मोदी की जो जोड़ी रही है, जो डबल ज्ञान वाली सरकार है, उसके खिलाफ पूरे देश में तो विक्षोभ है ही, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 सालों तक सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध में सड़कों पर किसानों के खून बहे, पारा शिक्षकों के खून बहे, अनुबंधन कर्मियों के ऊपर हमले हुए हैं। भाजपा महाले सड़क पर और संसदीय राजनीति में भी भाजपा के खिलाफ मजबूत आवाज रही है। वह इस बार कोडरमा में भाजपा को हराने के लिए सीट देने की अपील करेंगे। देखिए, मासस हमेशा से चाहती है जो सेकुलर वोट की डिवीजन ना हो, और पूरे देश की राजनीति अगर इस करवट ले रही है जो भाजपा को किसी तरीके से परास्त करनी है, और हम लोग भी इस मुहिम के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं जो सेकुलर वोट की डिवीजन ना हो, और सभी जगहों पर अगर महागठबंधन को बैठकर जिस तरीके से सीटों की फैसला की गई, हम लोगों ने पहले से ही रिक्वेस्ट किए थे जो कोडरमा माले के लिए छोड़ दिया जाए, तो कोडरमा आगे का दिन हम समझते हैं जो लेफ्ट पार्टीज के लिए छोड़ देनी चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड के तर्ज पर जो फार्मूला तय हुई थी उसी तर्ज पर ही हम समझते हैं जो आगे के दिन रणनीति होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी पार्टी को ये समझदारी है जो लेफ्ट की कोई वोट नहीं है तो वो गलत समझ रही है। हम लोगों के हर एक जिला में, हर एक लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों के अच्छी खासी वोट है, और हमारे ही वोट हैं जो कैडर बेस्ड वोट है, हमारी उड़ती हुई वोट नहीं है। लेकिन हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे जो ये सेकुलर वोट जो है हम लोग आपस में डिविजन करते हुए भाजपा को फायदा पहुँचाए। राज्य में पिछले अगर देखें 5 सालों में तो रघुवर मोदी की जो जोड़ी रही है, जो डबल इंजन वाली सरकार रही है, उसके खिलाफ पूरे देश में तो विक्षोभ है ही, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 सालों तक इस सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा विरोध रहा सड़कों पे, किसानों के खून बहे, पारा शिक्षकों के खून बहे, अनुबंध कर्मियों के ऊपर हमले हुए, और पूरे सशक्त आंदोलन भी चले हैं, स्थानीयता नीति को लेकर चले हैं, CNT SPT एक्ट में संशोधन को लेकर रहे हैं, और झारखंड में यह सरकार यही साबित किया कि सबका साथ और सबके साथ विश्वासघात, और आज जो पूरी आवाज़ भी आ रही कि कम से कम झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, तो वही अलग अलग आंदोलनों के ही नतीजे हैं। वो संथाल परगना से पलामू तक, कोल्हान से लेकर के उजरी छोटा नायक तक आंदोलन चले हैं। जरूरत यह है कि अलग अलग स्थानों पर जो आंदोलन चले हैं, जिन लोगों ने लीड किया है, उस आवाज़ को जो है जब चुनाव के समय आए हैं तो इसको संजीदा से लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए, लेकिन अक्सर हाँ होता है चुनाव के समय वो आवाज़ जो है खत्म हो जाती है। खैर, अभी निश्चित रूप से भाजपा हराओ एकमात्र विकल्प है इस राज्य के वासियों के लिए, झारखंड के लिए, और इसी नीति के तहत कोडरमा खास करके जो सीट है वो भाकपा माले सड़क पे भी और संसदीय राजनीति में भी भाजपा के खिलाफ मजबूत आवाज़ रही है। पिछले 3 साल से लगातार माले का वहाँ वोट बढ़ा है 1,36,000 से 1.5 लाख, और पिछले अकेले दम पे भाकपा माले ने 2,66,000 वोट लड़े थे, और कोडरमा में भाजपा हराओ का मतलब ही है माले जिताओ। उज्जवल भविष्य के लिए चुने न्यू एंजल होम स्कूल डिगवाडी नंबर 10, कक्षा नर्सरी से 8 तक के छात्रों के लिए अनुभवी टीचर, छात्रों के लिए फैसिलिटी, स्कूल में प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लासेस, डांस, पेंटिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, CCTV के नजर में पूरा स्कूल, एडमिशन ओपन। न्यू एंजल होम स्कूल डिगवाडी नंबर 10, आवर कॉन्टेक्ट फॉर 9576 7111 01 and 9 2 9
देश के लिए चुने केडीएम स्कूल पाथर्डी धनबाद। क्लास नर्सरी से 10 तक छात्रों के लिए फैसिलिटी, स्कूल में प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, डांस क्लास, एक्सपीरियंस टीचर। एडमिशन ओपन केडीएम स्कूल पाथर्डी सुदामडी सिंदरी रोड धनबाद। आवर फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। न्यूज़ खबरों की नई पहचान।